एआईएम न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे देश में कोरोना के हाल किस तरह बेहाल हैं और ऐसी महामारी के कारण आपको, हमको, सभी को एकजुट होकर मिलकर सरकार के साथ काम करना चाहिए। ये समय अब वो नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगाएं। हम सभी को, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, या फिर सिर्फ आप और हम क्यों ना हो, हमें सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। और लगातार जिस तरह कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, उससे देखकर लगता है कि हम हमारी जो गाइडलाइंस हैं उनको भूल चुके हैं। आइए हम इन सभी चीजों से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर इस कोरोना की जंग से लड़ें और इस पर हम सभी विजय पाएं। दोस्तों, लगातार कोरोना की जो महामारी बढ़ रही है, इसमें आखिर दोष किसका है? राजनेता एक दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। क्या यह समय आरोप प्रत्यारोप लगाने का है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद जो पंचशील जैन साहब, जो कि समाजसेवी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक उपेंद्र मिश्रा जी और हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं गोपाल शर्मा जी। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं पंचशील जी आपके पास आना चाहूंगा। पहले मैं चाहूंगा कि सभी अपने जो स्टार्टिंग कमेंट्स हैं वो रखें और उसके बाद हम एक बहस जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पंचशील जी आपके पास आना चाहूंगा, इस समय देश के जो हालात हैं उनके बारे में आप। इस बहुत आया हुआ है, मतलब इतना दर्द होता है जब लोगों को सुनते हैं कि केवल ऑक्सीजन के लिए उनके परिजन जा रही है, हॉस्पिटल में कोई जवाब नहीं मिलता है, उनका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है, और मृत्यु कैसे हुई इसका भी कुछ पता नहीं चलता है, डेड बॉडी पकड़ा दी जाती है जी। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि ऑक्सीजन जैसी चीज की कमी देश में है जो नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ में विश्व में बहुत सारे देशों में ये कोरोना ने की मार झेली है, बहुत सारे देशों ने, और हमसे भी ज्यादा अमेरिका में, तो अभी अभी हमारा रिकॉर्ड होता है अब तक अमेरिका में सबसे ज्यादा थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं हुई, बेड की कमी हुई है, डॉक्टर्स की कमी हुई है, इक्विपमेंट्स की कमी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होना ये मेरे समझ में गवर्नमेंट का फेल्योर है, मिसमैनेजमेंट है सरकार का, और ये होनी नहीं चाहिए थी। इससे कितनी जाने गई हैं ये सोचना ही बहुत, सोच के ही बहुत दर्द होता है जी। इस तरह का जो माहौल है वो नहीं बनना चाहिए। उपेंद्र मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप बताएं कि इस समय जो देश के हालात हैं, पिछले वर्ष जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय सभी लोग एक साथ जुट होकर कहीं ना कहीं हमने इससे युद्ध लड़ा था, लेकिन अब जो स्थिति है वो पहले से और भयानक स्थिति दिख रही है। तो सबसे पहले मैं आपके स्टार्टिंग कमेंट्स लेना चाहूंगा कि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे। दीपक जी, निश्चित तौर पे जो बात पंचशील जी ने कही जी कि देश की स्थिति भयावह है, ये बिल्कुल सत्य बात है, और भयावहता के जो चित्र हमारे सामने आ रहे हैं उसको देखकर अंदाजा हम लगा रहे हैं कि कई हमारे निकटवर्ती मित्र, कई जाने रिश्तेदार, कई लोग दुनिया से चले गए, और वास्तव में एक गंभीर स्थिति परिस्थिति हमारे देश में है। आप अगर गत वर्ष के स्थिति से वर्तमान परिप्रेक्ष्य की तुलना करते हैं तो निश्चित तौर पे ये बात समझनी होगी कि गत वर्ष का जो आपदा प्रबंधन था वो आपदा प्रबंधन संगठित था, सामूहिक था, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी। इस बार के आपदा प्रबंधन के अंदर जो सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है, मैं पंचशील जी के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी है,
पूरी दुनिया संसाधनों के लिए हमारे देश की तरफ दृष्टि डाले हुए है, हमने पूरी दुनिया को संसाधन उपलब्ध कराए हैं विगत एक साल के अंदर, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें कि संसाधन होते हुए भी उनका प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा है। उस प्रबंधन ठीक नहीं होने के कारण हमें आज की सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक दूसरे पे जो आरोप लगाकर और परिस्थितियों को विकट जन्य बनाया जा रहा है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उसका नुकसान वास्तव में जनता को हो रहा है, आज हमारे समाज को हो रहा है, हमारे राष्ट्र को हो रहा है। और ये चित्र ऐसा पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि जैसे कि भारत में कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा दावा है और मैं कह रहा हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर ये कोरोना वायरस अधिक मजबूत होकर आया है तो आप मानकर चलिए कि हमारे देश की आत्मनिर्भरता और मनोबल भी उतना ही मजबूत है, परंतु वो संगठित नहीं है, वो एकजुट नहीं है। इसलिए ये जो बिखराव है, इस बिखराव के कारण हम लोगों को लग रहा है कि ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही। बिल्कुल, जरूरत इस बात की है कि हम सभी को संगठित होना पड़ेगा। और गोपाल शर्मा जी, क्योंकि आप युवा नेता हैं, समाज सेवी भी हैं, आप लगातार हॉस्पिटल्स में समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब पिछले कोरोना का कहर शुरू हुआ था उस समय हमारे पास संसाधन भी नहीं थे, हमारे पास तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन पिछले एक वर्ष में हमने काफी कुछ भारत में ही निर्मित की है, संसाधन निर्मित किए हैं। बावजूद इसके अब ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि हम बिल्कुल विचलित हो गए हैं और किसी भी व्यक्ति को कहीं पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, आप क्या देखते हैं? अभी पहले जो जैन साहब ने कहा वो उसके बात तो सत्य है कि अभी मौतें हो रही है और हमारे पास संसाधन किसी किसी स्थान पर उपलब्धता नहीं है, पर ऐसा नहीं कि पूरे भारत में नहीं है। जैसे मिश्रा जी ने कहा, भारत में अगर सारे बात करते हैं तो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका मिसमैच, किसी जगह पर ऑक्सीजन बहुत बहुतायत में है तो किसी जगह पर उसकी आवश्यकता नहीं है और दूसरी जगह पर जहां आवश्यकता है वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। और ये सब कुछ व्यवस्थाएं उस दौर में बनी है जब राजनीतिक रूप से उसका कंट्रोल एक जगह नहीं रहा या वो मिसमैनेज हुआ, और मिसमैनेज होने के कारण ये सारी व्यवस्थाएं हुई है। किसी राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता ज्यादा है तो वहां उसका उपयोग कम हो रहा है और वहां बहुत ज्यादा है। अब जैसे दो दिन पहले ही अगर नासिक की बात करते हैं, वहां पर एक प्लांट में जब ऑक्सीजन की कमी चल रही है और प्लांट जल रहा है, आप देखिए वहां पर कितनी भयावह स्थिति है कि प्लांट के लीकेज होने के कारण, उस पर कंट्रोल नहीं होने के कारण इतनी वैल्यूएबल ऑक्सीजन वहां वेस्टेज हो गया और लोग उसके कारण मर गए। ऐसा ही कुछ और दूसरी जगहों पर भी हुआ। तो अभी जब दिन के अंतराल में केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए गए और उनका जब संचालन एक तरीके से सही तरीके से होने लगा तो मुझे लगता है कि इस स्थिति सुधरेगी और ज्यादा इस पे ज्यादा अगर अवेयर रहेंगे तो रहेंगे। पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था तो केंद्रीय व्यवस्था के तहत हुआ, सभी ने लॉकडाउन के नियमों की पालना की, तो कुछ राजनीतिक दलों ने उस समय भी ऐसे कहा कि नहीं ये गलत हो गया, इसको इस तरह से कर दिया, तो अब उसका नया रूप पेश किया। अभी राजस्थान में जो लॉकडाउन चल रहा है, सीधे सीधे बात करते हैं, जयपुर में अगर अब आप सड़कों पे निकलोगे तो आपको लगेगा नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन सारा चल रहा है, लोकल बसेस सारी चल रही है, सारा चल रहा है, तो आप किसके लिए लॉकडाउन किया हुआ है और आने जाने के लिए कितनी पाबंदी है। अब जब हम सबको कर रहे हैं, पहले जब कोई पेशेंट आइडेंटिफाई होता था उसके आसपास कंटेनमेंट जोन बना के और उसको रोक दिया जाता था, ये पता रहता था कि हाँ इस घर में है। आज आपके बाजू में जनरल स्टोर पे जब कोई सामान के लिए आप जा रहे हैं तो आपके बाजू में कोई खड़ा है, सामान खरीद रहा है, उसका पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब संक्रमण फैलने की दर इतनी तेजी से रहेगी, उस पर किसी तरह से कंट्रोल नहीं होगा तो संक्रमण तेजी से फैलेगा। संसाधन तो उतने ही है, संसाधन तो 10 साल जितने थे उनका जिस लेवल से बढ़ते हुए आ रहे हैं वो आ रहे हैं, पर अभी महामारी ज्यादा फैली है, इस वजह से लगता है कि संसाधन कम कम पड़ रहे हैं। और ये है, और डॉक्टर्स की कमी, डॉक्टर्स भी उतने ही हैं, केवल हम देख ही रहे हैं कि केवल अभी हाईलाइट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डॉक्टर नहीं। लेकिन गोपाल जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जब एक वर्ष पहले हमको ये पता चल गया था कि इस तरह की महामारी जो है वो आ चुकी है, तो क्या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको पिछले एक सालों में अपने आप को उस मजबूती की हालत में नहीं लाना चाहिए कि अगर भविष्य में इस तरह का कि फिर कोई महामारी आती है, दूसरी लहर आती है, तो हमको सावधान होना पड़ेगा? ये कहीं ना कहीं राजनेताओं की और राजनीति की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से वो अपने कामों में बिजी रहे ना सब,
अभी बीच के दौर में जो भी काम रहे उनके उसकी प्राथमिकताएं टल गई कि हाँ हमने तो कंट्रोल कर लिया, अब इस पर तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिसका सीधा सीधा उदाहरण अभी बातचीत में सामने आया था कि वो ऑक्सीजन सिमुलेटर जो बने की ऑर्डर किए थे, अधिकारी बदल गया तो उसको बंद ही कर दिया। क्यों? क्योंकि आवश्यकता नहीं महसूस की उन्होंने उसकी कि आगे ये समस्या आ सकती है। चलिए ठीक है, मैं इस तरह की सोच रहे हूं गोपाल जी, मेरा पंचशील जी से एक सवाल है और वो सवाल ये है कि जब राजनीति होती है और जब वोट चाहिए होते हैं नेताओं को, तब तो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो घर घर नौक देकर अपने वोट को मांगने आते हैं। क्या ऐसी विषम परिस्थिति में कोई भी सांसद या कोई भी विधायक आपको नजर आया या आपके घर आया या और किसी के घर आया कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो ऐसे में वो लोग कहाँ हैं जो आपसे वोट मांगने आते हैं और जो सरकार बनाते हैं, आज वो सारे के सारे कहाँ हैं? पंचशील जी देखिए, मेरे को लगता है राजनेताओं का काम सिर्फ राजनीति करना ही रह गया, जनता को बेवकूफ बनाना, वोट लेना और फिर मौज करना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं उनका कोई जनता के दर्द से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, देश को डेवलपमेंट से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। आपको मैं बताऊं कि केंद्र सरकार ने भी पिछले साल ऑर्डर नहीं, ये ऑर्डर ने भी प्लांट लगे और करीब 200 के करीब प्लांट लगाने थे, ऐसा ऑर्डर पिछले ऐसा इन्होंने निर्णय लिया था, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। इसी तरह राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए, ऑफिसर बदल जाते हैं, दूसरे ऑफिसर कैंसिल कर देते हैं। मेरे को लगता है इसमें एक भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मामला है और ये भ्रष्टाचार के कारण सारे जो सिस्टम है वो सारे फेल हो जाते हैं, जो काम होने चाहिए वो काम रुक जाते हैं, ऑफिसर बदल जाते हैं, पहले ऑफिसर ने क्या किया दूसरे ऑफिसर ने क्या किया, ये सारी चीजें इस पे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जो ऑर्डर जो हुए जो निर्णय हुए। लेकिन यहाँ पर इंक्वायरी करेगा कौन, इनपे इंक्वायरी कौन करेगा? जो करने वाले हैं, पूरा जो प्रोसेस है जो प्रोजेक्ट है वो बनाने वाले ही राजनेता है, जो उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो ही राजनेता है या कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार हैं, तो आखिर उस पे कौन उसकी जांच करेगा, कौन करेगा? अब ये केंद्र सरकार का भी इसमें दोष है, उन्होंने भी निर्णय लेके काम नहीं किया, और राजस्थान सरकार का भी दोष है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की कमी होनी नहीं चाहिए हमारे देश में, हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन की कमी होनी नहीं चाहिए, लेकिन आज तो इतनी कमी है जी कि आदमी की जान जा रही है बिना ऑक्सीजन जा रही है। ये कंप्लीटली फेल्योर है गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का भी फेल्योर है और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी फेल्योर है। दूसरे इसमें जो राजनीति हो रही है, इसमें भी राजनीति हो रही है। अब देखिए कि हर स्टेट को बराबर हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, हमारे केंद्र सरकार के लिए सारे राज्य बराबर होने चाहिए। उपेंद्र जी आप गुजरात में जितना कोटा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना है कि पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है और वो राज्यों के साथ भी सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है। जी देखिए पंचशील जी चाहे इस बात को कुछ भी कहें लेकिन वो खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब गत वर्ष कोरोना आपदा की शुरुआत हुई थी तो जब पूरा प्रबंधन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रखा था तो न तो ऑक्सीजन की किल्लत हुई, न वेंटिलेटर की किल्लत हुई, न हॉस्पिटल की किल्लत हुई, कोई संसाधनों का रोना नहीं रोया गया। लेकिन जैसे ही इस बार आपदा प्रबंधन का प्रभार राज्यों पर सौंपा गया, और राज्यों पर इसलिए सौंपा गया क्योंकि राज्यों ने गत बार ये आरोप लगाया केंद्र पर कि केंद्र ने लॉकडाउन करके हमारे आर्थिक संसाधनों को समाप्त कर दिया है और लॉकडाउन के हानि गिनाने लग गए थे और धीरे धीरे अनलॉक किया गया था, तो आज की तारीख में जब अब व्यवस्था राज्यों को संभालनी पड़ रही है तो केंद्र पर आरोप लगाकर ये कहना कि ऑक्सीजन की और संसाधनों की किल्लत है, ऑक्सीजन समान रूप से वितरण नहीं किए जा रहे हैं। उपेंद्र जी मेरा आपसे एक सवाल ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो पिसकर मर रहा है आज की तारीख में वो तो आम जनता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार लेगी? उसकी जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार लेगी? इनके आपसी झगड़े में आम आदमी की जान जा रही है और एक परिवार से अगर सोचिए एक व्यक्ति की जान जाती है तो कितना बड़ा लॉस होता है उसके परिवार को।
दीपक जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जान की कोई कीमत नहीं आके जा सकती है, केंद्र और राज्य की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन ये जो जो जान जा रही है ये बहुत दुखद विषय है। और यही बात सही है कि अब ये राजनीति बिल्कुल छोड़ दी चाहिए, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आप देखिए कि विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बड़े लेवल पर अपने अपने मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को, वहां पर कहा कि हम 2000 बेड लगाएंगे, 5000 बेड लगाएंगे, बेड लगाकर और सारी चीजों को वो खुद आगे आकर दे रहे हैं, डॉक्टर्स आगे दे रहे हैं, समाज सेवी आगे आकर दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को अपनी राजनीति को खत्म करके और केंद्र और राज्यों पर एक दूसरे पर दोषारोपण को बंद करके इस आपदा में संगठित रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे तब जाकर जिंदगी बचेगी। नहीं तो ये मानकर चलिए कि ये लड़ाई के चक्कर में अगर जो भी जाने जा रही हैं, इस जान के नुकसान का जो पाप होगा, इस पाप का प्रायश्चित हम, आप, कोई भी राजनीतिक दल वर्षों तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूं और पंचशील जी के माध्यम से मैं प्रत्येक वैचारिक जो राजनीतिक मत के लोग हैं या जो भी हैं, और ये जो आपके प्रसारण के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से संघ के स्वयंसेवक इस बात को छोड़ते हुए पूरे देश भर के अंदर आज लग गए हैं, वो बहुत अनिवार्य है कि हम लोग राजनीति को एक तरफ छोड़ते हुए और केंद्र पर आरोप और राज्यों पर आरोप लगाते हुए, आरोपों को अलग दरकिनार करते हुए हम इस आपदा से लड़ने के लिए एकजुट हो जाए। दीपक जी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सुनिए, पंचशील जी को भी ध्यान में आएगा। जब गत वर्ष इन्हीं अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान के अंदर कोरोना प्रबंधन बहुत श्रेष्ठ तरीके से किया था तो उनकी मोदी जी ने तारीफ की थी, परंतु अब वो तारीफ उनके श्रेष्ठ प्रबंधन की थी, खुलकर की थी, और हम जैसे लोगों ने हम सोशल मीडिया पर आगे जाकर अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री की तारीफ की थी कि राजस्थान के अंदर कोरोना आपदा से लड़ने की बहुत श्रेष्ठ प्रबंधन हो रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आज की तारीख में जिस तरह से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ काम करने वाले अन्य जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उनके जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के लोग जो हैं, जिस प्रकार से अपने कमियों को छुपाने के लिए केंद्र की सरकार मोदी जी पर आरोप लगा लगाकर दिन प्रतिदिन राजस्थान की स्थिति को गंभीर करते जा रहे हैं, जयपुर की स्थिति को गंभीर करते जा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। बिल्कुल, मैं गोपाल जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछली बार जो कांग्रेस सरकार का जो भीलवाड़ा मॉडल था या जयपुर में जो रामगंज मॉडल था, जिसको लेकर पूरे कांग्रेस पार्टी और पूरी जो सरकार है वो आज तक तारीफ करते हुए नहीं थकती है, तो क्या इस विपदा में वो वाला वापस जो मॉडल है वो कहीं नजर नहीं आ रहा? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस मॉडल को वापस कांग्रेस नहीं ला पा रही? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है सीधे सीधे शब्दों में कि वो अपने दूसरे कामों में बिजी हैं। कैसे धर्म बटोरा जाए? कौन से दूसरे काम होते हैं? आम जनता की जाने जा रही है, वो गिन रहे हैं, और जो भरोसे जनता सरकार बनाती है, जो सरकार को पदवी पर बैठाती है, गद्दी पर बैठाती है, आज जब आप उनके लिए नहीं खड़े हैं तो आने वाले दिनों में वो आपके लिए क्यों खड़े होंगे? बिल्कुल ठीक है। नहीं तो वो केवल वो तो खुद का उनका अगले चुनाव का प्रबंधन करना है, नहीं है क्या उनके लिए उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है ना? अब लेकिन जब वोटर्स की जाने चली जाएंगी तो वोट देने वाला कौन बचेगा? नहीं तो जनता अपने आप सुलटे हो तो क्या, उन्होंने तो छोड़ दिया राम भरोसे, उनको तो वोट मिल गया, वो अपने चले गए, काम मजे से बैठे हैं वहां पे, उनके पास थोड़ी ना कोरोना पहुंच रहा है। जब वैक्सीन इजाद हुई जनवरी में, वैक्सीन चालू हुई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका प्रबंधन किसको करना था? राज्य सरकार को करना था। उस वैक्सीन के अभी जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो वैक्सीन की कमी जो आ रही थी, उसका प्रबंधन क्या केंद्र राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कितने दिन का स्टॉक हमारे पास है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? आपको मैं बताऊं फैक्ट क्या है, रूरल एरिया में जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं वहां पर वैक्सीन के वॉयल्स वेस्टेज जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि एक वैक्सीन खोलने के बाद में, एक वॉयल खोलने के बाद में 4 घंटे तक वो रहना है। 4 घंटे के अंदर में अगर उसके पास 10 पेशेंट नहीं, 10 वैक्सीन करवाने वाले लोग नहीं आए, 4 लोग ही आए, तो 6 लोगों की वैक्सीन बेकार हो गई और उसको फेंकेंगे, या फिर उसको गलत मतलब जो डाइल्यूट हो गई ना वैक्सीन उसको लगा के दे देंगे। तो उनको और उनको टारगेट क्या दिया हुआ, 25 आपको जरूर वैक्सीन लगानी है, ऐसा टारगेट जब उनको बांध दिया, जब स्वास्थ्य कर्मी जो वहां पे बैठा है, वैक्सीन सेंटर पे बैठा है, वहां तक लोगों को लाने के लिए जो सरकारी कर्मचारी जो हर बार उनको लगाया जाता था, तो उनको लगाना चाहिए था, इसका प्रबंधन किसको देखना था? या तो जिला स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो अधिकारी है, उनको देखना था, जिला कलेक्टर है, या राज्य सरकार को उस पर मॉनिटरिंग करनी थी। अब वैक्सीनेशन को इतना, अभी जब आज तक के आंकड़े हैं, ये 20 तारीख तक के हैं,
1,15,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है 20 तारीख तक के आंकड़े हैं ये। इसमें केवल फर्स्ट डोज 98 लाख को लगी है और दोनों डोज केवल 16 लाख लोगों को लगी है। आप सोचो 7 करोड़ की पॉपुलेशन पे 16 लाख लोग जनवरी से लेकर अब तक केवल 16 लाख लोगों ने 2 डोज लगवाई है, कैसे वैक्सीन कैसे होगा? इसको मॉनिटरिंग करने का काम किसका? केंद्र सरकार बैठ के करेगी क्या? अब केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ दो कि या तो केंद्र सरकार ने वो किया था, अब केंद्र सरकार वहां से उसको भेज रही है, अब तो कर रही। अभी कुछ दिन पहले वैक्सीन ही चोरी हो गया, आपके सेंटर्स पे वैक्सीन को सिक्योरिटी से रखने की व्यवस्था नहीं हो रही है। आप सोचो क्या हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी एक दिन में तो नहीं होती ना, ऑक्सीजन की सप्लाई की चेन तो पूरी व्यवस्थित थी ना पहले से भी, ऑक्सीजन की कमी एक ही दिन में अचानक थोड़ी हुई, पेशेंट की रफ्तार बढ़ी और उसको उसका सुचारू रूप से, अब किस में मेरे हॉस्पिटल में 4 दिन का पड़ा है, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार को, राज्य सरकार का सेंटर है तो उसको, और प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसको खुद को, कि भाई 4 दिन का खत्म होने वाला, 4 दिन बाद खत्म होगा तो उसको मैं पहले से कैसे मंगवा के रखूं, कहां से मेरे को मूव करवाना है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी ना राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, किसी की भी होती तो अगर पहले से इसकी व्यवस्था होती तो काम चलता ना, और काम चलता तो इतनी ज्यादा त्राही त्राही नहीं होती। बिल्कुल ठीकरा फोड़ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीकरा फोड़ना भी ठीक नहीं है किसी एक दूसरे के ऊपर। पंशील जी आप इतने अनुभवी हैं, आप लगातार कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए भी रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ऐसी परिस्थिति में पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार हो चाहे सरकार के विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हों, वो क्या एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकती? क्योंकि जब मुझे याद है कि जब पहली बार वैक्सीन भारत में आई थी, भारत में बनी थी और भारत में आई थी, तब कांग्रेस के लोगों ने या दूसरे लोगों ने ये कहा था कि ये मोदी जी की वैक्सीन वो नहीं लगाएंगे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है, जबकि भारत में ही नहीं बल्कि जैसा कि अभी गोपाल जी ने बताया कि 98 लाख लोगों को लगेगी, तो मैं उनको बताना चाहूंगा जो पहली डोज 98 लाख लोगों को लगी थी उसमें मात्र 6,000 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, बाकी सारे सुरक्षित थे, और जो करीब 16 लाख के बाद जो दूसरी डोज लगी थी, दो बार जिन लोगों को डोज लगी थी उसमें मात्र 600 या 700 लोगों को ही कोरोना संक्रमित हुए थे वो। तो देखिए कितनी जबरदस्त ये वैक्सीन का जो प्रभाव है वो पूरे देश में, लेकिन उसके बावजूद भी यहां तक कि हमारे जो राजनेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं, उन्होंने तक ने आज तक वो वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, वो देश को कहां ले जाना चाहते हैं? देखिए ये सारा डिपेंड करता है हमारे लीडर्स पे। वैक्सीन बहुत बड़ा एक कोरोना का रोकने का उपाय था, है, लेकिन आप देखिए दूसरे देशों ने अपने देश की चिंता की। अमेरिका, दूसरे देशों में 50% लोगों के वैक्सीन लग चुकी है, उन्होंने कहीं दूसरी देशों को नहीं भेजी, अपने लोगों के पहले लगाई, लेकिन हमारे देश में ये वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने लग गए कि हमारी दुनिया में हमारा नाम होगा, क्या मतलब है? बिल्कुल एक्सपोर्ट करने लगे, लेकिन यहाँ पे जो बर्बाद हो रही है वो तो लगवा ही नहीं रहे ना। बर्बाद तो होगी, ऐसा तो नहीं जो है कि हमारे घर में खाना पड़ा हुआ है वो खा नहीं रहे, और बाहर के लोगों की चिंता लग रही है इन लोगों को। वैक्सीन ऐसा है 100 में 100 नहीं लग सकती, कुछ तो बर्बाद होगी, ये तो मान के चलना पड़ेगा, ये तो हर चीज में होता है, किसी भी वस्तु को हम लगवाने के लिए पंचायत जी आगे तो आना चाहिए ना लोगों को, और देश के जो लोगों को समझाना भी पड़ेगा, लोगों को समझाना भी पड़ेगा, लोगों में भ्रम भी होता है। क्या समझते हैं कि क्या बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्या अभिनेता हैं उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी, जो बड़े बड़े शिक्षक हैं उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी, किसको समझाने की जरूरत पड़ेगी? आज की स्थिति ये हो गई है, लोगों का विश्वास उठ गया है नेताओं पे, लोगों का विश्वास ही नहीं रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नेताओं से विश्वास सही है क्या? लेकिन जो कोविड वैक्सीन है वो तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है, किसी राजनेता ने तो नहीं बनाई। नहीं, वैज्ञानिकों ने बनाई है, लेकिन इसको विश्वास जनता में डालना भी हमारा ही काम है कि हम जनता को विश्वास में लें, और इसको वेस्टेज हो रही है कोई बात नहीं है, लेकिन इसको हमको देश में ज्यादा से ज्यादा लगानी चाहिए, आज भी लगानी चाहिए, जबकि ये जो कोरोना का जो सेकेंड फेज आया है उसमें वैक्सीनेशन का परसेंटेज उल्टा कम हो गया है, जो पहले ज्यादा लग रही थी अभी उल्टी कम हो गई है, जबकि इसको हमको बढ़ाने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि ये इस जो आपदा है ये इसको एक युद्ध की स्थिति मानना चाहिए कि आज देश में युद्ध की स्थिति है, और हम बीजेपी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को भूल के हम सब एक हो जाएं, सब कांग्रेस बीजेपी और सब लोग मिल के अगर इससे लड़ें तो हम सफल हो सकते हैं, और अगर हम आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे पे दोष निकालते रहे, आप बीजेपी के लोगों से बात करेंगे तो वो राजस्थान की बात करेंगे, महाराष्ट्र की करेंगे, आप कांग्रेस वालों से करेंगे तो वो गुजरात की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है।
ये समस्या हर हर स्टेट में है, केवल एक स्टेट में नहीं है, किसी भी स्टेट में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या किसी का भी शासन हो, मर तो आम जनता रही है। देखिए जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हम इस स्थिति में हमारा नेता क्या कर रहा है। अगर वो नेता काम नहीं कर रहा है तो जनता को उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर जनता रिजेक्ट करने लग जाएगी तो ये काम भी करने लग जाएंगे। जनता को देखना पड़ेगा कि हमारा नेता कैसा है और इस आपदा में हमारा नेता कितना अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, घर पे है, ये जनता को देखना है। अगर जनता ये सोचती है कि हमारा नेता काम कुछ नहीं कर रहा तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। जनता को जिस दिन ये रिजेक्ट करने लग जाएंगे उसी दिन से हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, सब काम ठीक होने लग जाएंगे। लेकिन जनता को रिजेक्ट करना सीखना पड़ेगा। हम क्या है, थोड़े दिन बाद में भूल जाते हैं, फिर भाषणों में आ जाते हैं, भाषणों में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बेवकूफ बन जाते हैं। लेकिन भूल गए लगातार जो एक साल से कोरोना कम हुआ था, हम एक जीत की ओर बढ़े थे, लेकिन उसके बाद लगातार चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव की घोषणा होने के बाद हजारों लाखों लोगों की जो भीड़ है, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे कुंभ मेले की बात करें, या कहीं की भी हम बात करें, लगातार जो है भीड़ एक साथ बढ़ती रही। तो इससे भी क्या राजनेता भूल गए कि कोरोना अभी खत्म ही हुआ है, लेकिन फिर एक बार भयानक रूप उन्होंने ले लिया है। और कोरोना को भी भीड़ चाहिए, राजनेताओं को भी भीड़ चाहिए, कोरोना को भी भीड़ चाहिए, और ये दोनों मिलके देश को बर्बाद करने में लग गए हैं। ये अगर भीड़ होनी नहीं चाहिए देश में, 10-5 लोग भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। दीपक जी, इसमें एक लाख को इकट्ठे कर रहे हैं जी। हाँ दीपक जी, मैं इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नेताओं को किसकी सोच कहां चली गई है, क्यों ये लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं इस स्थिति में। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि नेताओं की सोच क्या है। देश को बर्बाद करना है, लोगों को मारना है, केवल वोट के लिए। जो ये विषय चल रहा है कि निश्चित तौर पे राजनेताओं को ये सोचना चाहिए था कि जब ये महामारी चल रही है तो इतने बड़ी संख्या में भीड़ को एकत्रित करने से रोकना चाहिए था, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो आपने कुंभ के मेले का जिक्र किया, चाहे और भी चीजें हैं। लेकिन देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि राजनेताओं को तो राजनीति करनी है, ये उनका प्रथम कर्म है, परंतु साथ में जो हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने बराबर इस विषय पर, मैं बिना राजनीति किए हुए और बिना नाम लिए हुए कि ये बीजेपी कांग्रेस की बात को एक तरफ छोड़ते हुए मैं जो उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा से इस विषय पर चिंता किया कि ये ठीक से व्यवस्थित हो। लेकिन निश्चित तौर पर जब बिहार के चुनाव हुए थे तब भी रैलियां हुई थी, लाखों की रैलियां हुई थी, लेकिन उस टाइम कोरोना का प्रकोप ऐसा नहीं फैला, तो इस बात का अंदेशा बंगाल के चुनाव में किसी को भी नहीं रहा होगा कि शायद हो सकता है कि ये इतने बड़े लेवल पर हो जाए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि बंगाल में जहां लाखों की रैलियां हुई है वहां पर कोरोना का प्रकोप तुलनात्मक महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की तुलना में बहुत कम है। इसलिए मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, उस भीड़ को एकत्रण को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं बस केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आत्म अनुशासन भी अनिवार्य है। हम राजनेताओं को कोसते कोसते अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया, बंगाल में लाखों लोगों का जो व्यवहार है वो दिखा नहीं आपको, कितने लाखों लोग एक साथ इकट्ठे थे। हाँ, लाखों लोग थे, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाखों लोगों में कोरोना पॉजिटिव का जो प्रतिशत है वो नगण्य मात्र है, जितने की गुजरात में, मध्य प्रदेश में टेस्टिंग नहीं हो रही। टेस्टिंग जब होगी आप देखिएगा बंगाल की क्या हालत होता है, चुनाव रिजल्ट आने के बाद में देखिएगा बंगाल की क्या हालत होती है। अभी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, लेकिन मैं उस भीड़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। वास्तव में अगर इस जैसा कि पंचशील जी को आशंका है कि चुनाव परिणाम आने के बाद वहां पर कोई भयावह विस्फोट हो सकता है, तो इसके लिए देखिए सभी राजनीतिक दल इसके लिए बराबर के दोषी माने जाएंगे, क्योंकि इनको संयमित होकर बहुत न्यूनतम संख्या में, जैसे कि अब चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर 500 लोगों की वर्चुअल रैली कर रहे हैं ये लोग, तो ये काम ये लोग पहले भी सोच सकते थे। 500 लोग भी ज्यादा होते हैं 500 लोगों को शायद वो दूरी दूरी से बिठा के दो दो गज की दूरी में तो 50 लोगों को नहीं होने देते हैं। बिल्कुल, चलिए देखिए जहां तक राजनेताओं को हम दोष दे रहे हैं वहीं पर सिर्फ हम राजनेताओं की बात नहीं कर रहे। अभी देखिए दिल्ली में मैं कुछ दिन पहले जाकर आया था, वहां पर आज भी किसान आंदोलन जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। तो उनके लिए क्या देश जरूरी नहीं है? उनके लिए क्या ऐसी जरूरत है कि वो आज भी धरने पर बैठे रहे? गोपाल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं वो किसान है?
लोगों में तो यही बताया नहीं है, बिल्कुल नहीं साहब, वो किसान नहीं है, वो केवल पंचशील जी तो किसान मानते हैं उनको, अभी पंचशील जी के पास नहीं, कौन मानते हैं, नहीं 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 कोई मानते हैं तो वो उनका अपना दुरुस्त कर लें, वो अपना दुरुस्त कर लें, वो व्यक्ति राजनीति में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, टिकैत साहब जो हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हैं, उनके पिताजी किसान नेता हुआ करते थे, और ये जो अभी जो टिकैत जी हैं वो तो किसान नेता नहीं है, वो तो दो बार चुनाव में बहुत बुरी तरह से परास्त हुए हुए व्यक्ति हैं, हारे हुए व्यक्ति हैं, और उनका उनको क्या है, उनका क्या क्या वजूद है, उनके क्षेत्र में वो नहीं जा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, अगर किसान नेता होता तो अपने क्षेत्र में जाता तो सही, अब वो वहां पर एक तो सरकारी जमीन सड़क के किनारे उन्होंने अपना गांव बसा लिया, दादागिरी से बसा लिया, दूसरा वहां पर क्या कर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन तो चाहिए पर हमको यही चाहिए, और सभाएं भी करेंगे और वैक्सीनेशन की खिल्ली भी उड़ाएंगे, और केंद्रीय नेतृत्व जो है भारत सरकार उसकी भी खिल्ली उड़ाएंगे और उसके कानूनों की भी खिल्ली उड़ाएंगे, और वैक्सीनेशन हमको चाहिए, सुरक्षा हमको चाहिए, और सारे संसाधन हमको दे दो। दिल्ली की सरकार ने क्या किया, दिल्ली की सरकार ने उनको वहां पर घर बैठ के, तब तो उनके पास पैसा आ रहा था दिल्ली सरकार के पास, अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कल उन्होंने कितना कैसा व्यवहार किया, या क्या जब जब केंद्रीय केंद्र के साथ उनकी जब बातचीत हो रही है प्रोटोकॉल के तहत है, उसका प्रसारण कर दिया, लीकेज कर दिया उन्होंने। आप सोचिए कि ये केंद्र इतना पढ़े लिखे IIT, मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पे कि वो IIT से पास आउट है और केंद्र उसमें केंद्र सरकार में उसमें सरकार में IAS अधिकारी थे। आप सोचिए कि इतना बड़ा अधिकारी ऐसा 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 काम करेगा केवल अपनी राजनीति से चमकाने के लिए, उसको ये दिखाना था बाहर कि मैं क्या कर रहा हूं मैं, और मैं देखो मैं ऐसे मैं इतनी तरह से बात कर रहा हूं। आप सोचिए कि प्रोटोकॉल का इस तरह से उल्लंघन होना चाहिए क्या, किसान नेता जो वहां पर जो अपने आप को किसान नेता कह के बैठे हैं वो पूरे टाइम वहां कुछ लोगों को तो वहां बैठा दिया, और खुद जाके और बंगाल में क्या कर रहा था वो टिकट जाके वहां बंगाल में जाके अपनी राजनीति को चमका रहे थे, क्या कर रहे थे दूसरे चुनाव में भी कर गए वो लोग वहां पे। मैं पंचशील जी के पास आना चाहूंगा, गोपाल जी का ये कहना है कि राकेश टिकैत जो है वो कहीं से किसान नहीं है, उनके साथ जो लोग बैठे हैं वो भी किसान नहीं है, और क्या इस तरह की जो महामारी है, इस तरह की महामारी में इस तरह के जो आंदोलन है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप अपनी स्पष्ट राय दें। मेरा तो ये मानना है कि भीड़ कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, कोरोना जो काल है उसमें अगर भीड़ कहीं पे भी होती है तो जानमाल का नुकसान तो होगा, लेकिन ये एक अलग बहस है कि वो किसान है या नहीं है, ये कह देना कि वो किसान नहीं है ये भी ठीक नहीं है, लाखों ट्रैक्टर लेके जो किसान के अलावा और कौन, हम आप और मैं तो घर में ट्रैक्टर नहीं रखते, इतने ट्रैक्टर लेके जो निकलते हैं वो किसान ही तो निकलते, अगर किसान नहीं होते तो ट्रैक्टर इतने कहां से आते हैं बताइए। लेकिन लाखों ट्रैक्टर अगर आ भी गए तो आम जनता के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए थे ना उनको, हाँ वो नहीं चढ़ाने चाहिए, वो एक अलग बहस क्या था है। और उसके साथ में ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो उसको 2 मिनट में समाप्त कर सकती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार भी क्यों नहीं चाह रही कि किसान आंदोलन को समाप्त किया जाए। ये मोदी जी ने कहा था कि एक फोन की दूरी है, उस वास्तव में एक फोन की दूरी है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए, अगर सरकार की नियत साफ हो और किसानों की नियत साफ हो तो ये मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत। उपेंद्र जी पंचशील जी का कहना है कि केंद्र की नियत साफ नहीं है इसलिए वो हटा नहीं रहे किसान नेताओं को, सरकार की नियत साफ है ना किसानों की साफ है, वरना ये तो 2 घंटे का काम है, 2 घंटे में समाप्त हो सकता है। देखिए सुपेंद्र जी बताइए 2 घंटे में हटा क्यों नहीं रही है किसानों को वहां से, क्या बीजेपी की राजनीति है। देखिए मुझे केंद्र सरकार की कार्यशैली पर पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है, और मुझे एकदम यकीन है कि उनको 2 घंटे में हटाना है, 2 मिनट में हटाना है, 2 महीने में हटाना है या 2 साल में हटाना है, इसकी रूपरेखा उनके पास तय है। लेकिन इसके पीछे भी कोई राजनीति चल रही है क्या? नहीं राजनीति होगी ना, क्योंकि वो वहां जो लोग बैठे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, तो केंद्र के लोगों ने बहुत प्रयास किया, कई दौर की वार्ताएं की, जब प्रयास नहीं किया सुशील जी आप याद कीजिए कि हमारे कृषि मंत्री ने अनेक दौर की वार्ताएं की है, लेकिन अब जो लोग वहां पर बैठे हैं अब जो नहीं वहां जाकर बात थोड़ी होनी थी, बात तो एक साथ होनी थी, जहां पर बैठकर बातचीत होनी थी वहां बात हुई है, और बातचीत के अंदर जब उन लोगों ने गैर जरूरी बार्गेनिंग करने लगे, जो चीजें नहीं हो सकती थी वैसी बात जब करने लगे, केंद्र सरकार जब 4 कदम पीछे हटी तो उनको भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए था, ये लोचशीलता अनिवार्य थी, जब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखी तो केंद्र सरकार ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। और निश्चित तौर पे गोपाल जी की बात से मैं सहमत हूं कि अब जो लोग वहां पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, अब चूंकि वो ये हड्डी ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं तो ऐसी चीज हो गई है उनके लिए, तो इसलिए अब वो लोग अपनी लाज शर्म बचाने के लिए अब वहां पर जितने समय बैठे हैं लेकिन
कोरोना के इस आपदा काल को देखते हुए भीड़ नहीं करनी चाहिए, सड़क जाम नहीं करना चाहिए। कदाचित अगर उनके वहां बैठे रहने से अगर ऑक्सीजन की एक भी गाड़ी एक घंटे लेट हो गई और उस व्यवधान के कारण अगर कोई एक भी मौत होती है तो उस मौत के सीधे सीधे जिम्मेवार वहां पर बैठे हुए कथित किसान आंदोलनकारी होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको लोग बारीकी से देख रहे हैं और बारीकी से समझ रहे हैं ये बात इसमें। और कल तक जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए किसानों के जो परोक्ष रूप से जो उनके मातहत थे, आज वो उनसे दूर हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये आंदोलन टोटली फेलियर हो चुका है, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन नहीं है, ये एक समूह विशेष का आंदोलन रह गया है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां पर बैठे हैं। इसलिए उनको तो छोड़िए उनकी चर्चा, तो इसलिए अभी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण दीपक जी ये है कि निश्चित तौर पे चाहे किसानों ने बैठकर वहां पर भीड़ कर रखा है, चाहे और भी जगह से भीड़ हो रखी है, इस भीड़ के कारण जो कोरोना आपदा का प्रबंधन है, कोरोना आपदा का प्रबंधन श्रेष्ठ होना चाहिए। और मैं यहां से आपके इस प्रसारण के माध्यम से, मैं राजस्थान जयपुर में हूं, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनको ये आग्रह करना चाहता हूं कि बिना राजनैतिक बिना वैचारिक भेदभाव के उन्हें जिस तरह का तन मन धन की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनका सहयोग करने को तैयार हैं, परंतु वो प्रबंधन ठीक से करें। वो इस बात जी, के लिए आपने अशोक गहलोत जी के लिए तो ये बात बोल दी है, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं, आपकी अप्रोच ऊपर तक है, तो क्या आपने प्रधानमंत्री को भी ये बात पहुंचाई है आरएसएस के माध्यम से कि क्या वो भी केंद्र राज्य सरकारों को सहयोग दें पूरी तरह से? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बातें केवल जो राज्य सरकारों को सहयोग नहीं पहुंच रही है, ये केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आपने अगर आज अखबार पढ़ा होगा तो आपको एक जानकारी देता हूं कि झारखंड के अंदर 500 सिलेंडर एक जगह छुपाकर भरे हुए सिलेंडर रखे हुए मिले। यहां पर राजस्थान में आपके 25 सांसद हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो कहां पर है, ये आप इतना बताइए। मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक सांसद को जिम्मेवारी दी गई है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर कोरोना आपदा के प्रबंधन को देखे, और लेकिन वो जिम्मेदारी निभाते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो मीडिया में नहीं आ रहे और कोरोना का जो गाइडलाइन है उसके कारण आम जनता तक भी नहीं आ पा रहे। उपेंद्र जी, मैं खुद यहाँ जयपुर की बात करूं तो 4 हॉस्पिटल्स में जाके आया हूँ, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। सिर्फ बीकानेर में आज जरूर अर्जुन मेघवाल जी के तरफ से सिलेंडर की व्यवस्था करवाई गई है, बाकी कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं नजर आ रही। देखिए मैं भी कुछ लोग मेरे राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं, मेरे मित्र भी हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य चर्चाओं के माध्यम से मुझे इस तरह की जानकारी मिल रही है कि केंद्र की तरफ से सभी संबंधित सांसदों को, मंत्रियों को निर्देश है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में इस प्रबंधन को देखिए, क्योंकि जिस तरह से उसको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि मोदी जी और अमित शाह को इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे लेकिन उन सांसदों की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? ये भी बड़ा सवाल है कि उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, क्या वो वाकई अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है नहीं हो रही? देखिए ये अभी इसकी एक मतलब आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है कि उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन सब अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपने क्षेत्र की जानकारी लेकर केंद्र को दे रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी है, क्योंकि 2-4 जगह ऐसी चर्चाएं हुई है। और गोपाल जी से हम बात करते हैं। गोपाल जी, आप खुद कई हॉस्पिटल्स में जाकर आए हैं, कई जगह जगह आप खुद गए हैं, क्या आपको वहां पर कोई राजनेता, मैं बात सिर्फ बीजेपी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की भी, या जितने भी जो 200 विधायक हैं राजस्थान के उनकी बात कर रहा हूं, जो 25 सांसद हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, यहां तक कि जो पार्षद चुने गए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि कहीं आपको वो नजर आए, कहीं वो सेवा करते हुए आपको दिखाई दिए, क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। देखिए अभी आपने कहा पहले उल्टा रिवर्स चलते हैं, अभी पार्षदों में जयपुर का जो ग्रेटर वाला जो क्षेत्र है उसकी जानकारी मुझे पूरी है, उसके बारे में ध्यान है। अभी उन्होंने बड़ा अभियान चलाया है, ये मैं समझता हूँ ये अभियान जनवरी से ही अगर चल जाता तो अब तक हम बहुत कुछ ऊपर तक पहुंचते। वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाने के लिए पार्षदों के माध्यम से छोटे छोटे लेवल पे उन छोटी छोटी बस्तियों में कैंप लग रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है। पिछले रविवार को मेरी कॉलोनी में जो पार्षद है वार्ड 79 की, उन्होंने एक कैंप लगवाया था। निश्चित रूप से राज्य सरकार के साथ कम्युनिकेट करके उन्होंने ऐसा किया, परंतु 220 लोगों को वैक्सीन लगा, उतना ही कोटा उनको पर डे का मिलता है।
तो 220 लगा। आज मेरे जो बाजू वाली कॉलोनी है उसमें लगा है, तो अभी तक 4 बजे तक की वहां पर जानकारी थी कि 200 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। ऐसा ही केवल ये दो जगह नहीं है, ऐसा बीजेपी के सांसद हो चाहे कांग्रेस के सांसद हो पार्षद हो, दोनों ही तरह के पार्षद लोग अब एक्टिव मोड में आए हैं और वो वैक्सीनेशन किया है। अब एक 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 तरफ से ये चालू हुआ है तो सही सार्थक प्रयास होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही अगर एमएलए की बात करते हैं तो एमएलए तो देखो जी नदारद रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो हाई लाइम लाइट में रहते हैं। वो अगर वहां पर आप 50 लोगों को इकट्ठा करोगे, 100 लोगों को इकट्ठा करोगे तब तो हम आएंगे, अगर वहां दो ही लोग रहने वाले हैं तो अब कोरोना प्रोटोकॉल है, वहां दो लोग चार लोग पांच लोग रहने वाले हैं तो कैसे आएंगे? उनको तो शर्म, उनके लिए तो शर्म की बात है ये, तो वो तो वो अलग दूसरी बात है। सांसद लोग हैं उनकी दूसरी बात नहीं है, विधायकों को भी जवाब देना पड़ेगा जब चुनाव आएंगे, जवाब देना तो पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ जवाब तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, 5 साल बाद जवाब देगा। भाई दुर्भाग्य है भारत की संविधान की इस व्यवस्था का कि अगर कोई काम चुन के आ गया पिछले चुनाव से ठीक पहले 10 दिन 15 दिन महीने बाद 2 महीने तक वो काम करेगा और उसके बाद चुन के आ जाएगा, उसके बाद 5 साल तक वो मजे से करेगा। अब जनता उसको कब सबक सिखाएगी? जब अगला टेन्योर आएगा, 5 साल बाद चुनाव होगा, तब तक वो वापस कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेगा। और भारत की जनता बहुत भोली वाली है साहब, परंतु युवा देख रहा है, युवा इसको जवाब देना जानता है, समय आने पर उनको जवाब देगा। जो जो एमएलए या जो जो सांसद इस काम में उनके साथ समय पर खड़े नहीं हो रहे हैं, उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा सा सबक मिलने वाला है, आप उसकी चिंता ना करें। चिंता जो करनी है वो ये करनी है कि अभी सबको बीजेपी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, बीजेपी या कांग्रेस उसको भुलाकर अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर साझे के तहत करेंगे, जैसा कि पिछले 2 दिन में मैंने न्यूज चैनल्स पे देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक ली और बैठक लेके उसमें किया। अब आप सोचिए गड़बड़ कहीं कहां केंद्र से हो रही है, केवल ये नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि किसी मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले तारीफ की थी कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और 2 दिन बाद में वो कह रहा है कि हमारा गड़बड़ चल रहा है। उसके उसका सहायक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है या दूसरे मंत्री जो है दूसरे विभाग के, वो एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है और दूसरे तरफ दूसरे व्यक्ति कह रहा है कि नहीं बहुत गड़बड़ चल रहा है। इसका मतलब केवल बयानबाजी करनी है उनको और कुछ नहीं करना। पंचशील जी राजस्थान के, राजस्थान में परिवहन मंत्री जी हैं, माननीय परिवहन मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा, अब कोई भी बात आ रही है तो उसमें उनका उनका स्टेटमेंट जरूर आ रहा है। आप सोचो कि परिवहन मंत्री जी परिवहन देखे ना, या अपने क्षेत्र के लोगों का जो स्वास्थ्य के लिए जो कर रहा है कोरोना का प्रबंधन उसको देखें, या उनको ट्रांसपोर्टेशन में या जो उपकरणों को ट्रांसपोर्ट करने में उसमें व्यवस्था देखें, वो दूसरी तरह की व्यवस्थाओं में भी देख रहे हैं, केंद्र से हस्तक्षेप की व्यवस्था में भी देख रहे हैं, उसमें भी देख रहे हैं, उनके बयान जरूर आने चाहिए। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जी गायब हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी का पता ही नहीं चल रहा, वैक्सीन चोरी हो रहे हैं कोई पता ही नहीं चल रहा, अब जवाबदेही किसके ऊपर है? उनको उनको कौन करेगा, उनको पकड़ेगा कौन कि भाई हाँ ये वैक्सीनेशन कितना बढ़िया सबक दिया है। वो दिल्ली में जो चुराने वाले हैं उन्होंने वापस वैक्सीन रखने के बाद में रखा है कि हमें पता नहीं था कि ये कोविड की है। इतना इतना भारत का चोर भी अगर इतना समझदार है तो आप सोचो कि ये क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा राजनेता समझदार नहीं हो रहे ना। संकट राजनेताओं को तो सबक सिखाना पड़ेगा जी, हाथ से निकलने की संभावना दिख रही है ना। अगर प्रबंधन अगर व्यवस्थित नहीं हुआ तो उससे बहुत ज्यादा कुछ हम खोने वाले हैं जी। पंचशील जी आपको क्या लगता है? देखिए मेरे को तो लगता है कि हम लोग सफल इसमें होना जरूरी है कोरोना के मामले में, और सबको मिलके काम करना पड़ेगा। हमने राजस्थान से, हमारे केंद्र में 25 सांसद हैं, 24 हैं शायद 25 तो जी। उन लोगों को सभी अपने अपने राज्य की जो समस्याएं हैं उनको देखें। तो हमारे, मैं जहाँ राजस्थान में हूँ तो मैं राजस्थान के सांसदों से ही कहना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के लिए, सांसदों और विधायकों से भी, और विधायक से तो चलो यहाँ है ही, विधायक भी करें और सांसद भी करें, और इसको एक युद्ध की तरह हम मान के और सब मिलके लड़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति बाद में कर लेंगे, एक दूसरे पे एलिगेशन बाद में लगा लेंगे, लेकिन ये जो 1 या 2 महीने का जो टाइम है अगर हम मिलके करें तो देखिए हमारे जो जितने पार्षद से लेके और हमारे सांसद तक अगर हम सब कोशिश करें तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, अगर हम सभी लोग मिलजुल कर काम करें, एक होकर काम करें, तो निश्चित तौर पर हम जो है कोरोना को मात देंगे और एक नया जीवन, एक सुनहरा देश और दुनिया एक बार फिर हम वापस लेकर आएंगे। चलते चलते मैं 10-10 सेकंड के लिए आपके फाइनल कमेंट्स और लेना चाहूंगा। सबसे पहले गोपाल जी, आप अपना फाइनल कमेंट्स पे क्या कहना चाहेंगे?
ग्राउंड लेवल तक सबका अवेयरनेस कैंप चलाया जाए और अभियान चलाया जाए, जो अपने खुद के व्यक्तिगत विज्ञापन न देकर के वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, दूरी के बना के रखना कितना जरूरी है, मास्क कितना जरूरी है, उसके विज्ञापन करके और अवेयरनेस कैंप छोटे छोटे लेवल पर, छोटी छोटी बस्तियों के लेवल पर करेंगे तो निश्चित रूप से ये ज्यादा अवेयर होगा। जो स्प्रेडर हैं, सुपर स्प्रेडर हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी कंट्रोल करेंगे और पिछली बार की जैसे जीतेंगे। जीतेंगे तो जरूर, क्योंकि भारत के लोगों में ये तो मादा है कि वो कोई भी विषम परिस्थिति उसको जीत तो लेता है। जीतेंगे तो जरूर, पर उससे पहले कहीं ज्यादा नुकसान नहीं हो, उससे पहले उसको कुछ इस तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा, तो हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल पंचशील जी, आपके फाइनल व्यूज। देखिए हम जीतेंगे, लेकिन हमारी जीत कितनी महंगी पड़ेगी वो हमको देखना है। अगर लाखों लोग मर गए और फिर हम जीतेंगे तो हम उसको जीत नहीं मान सकते, वो तो एक बहुत दर्द भरी जीत होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारे सारे सरपंच और ये ऐसा एक प्रधानमंत्री को एक निर्देश ही नहीं, एक सबको एक दिशा निर्देश देना चाहिए कि हमारे जितने भी पार्षद से लेके हमारे जितने भी सरपंच हैं, जितने भी हमारे MLA हैं, सब मिलके अगर हम इससे लड़े तो ये मतलब बहुत जल्दी हम इस पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि जनता बात मानती है जी। अपने क्षेत्र के जो विधायक होते हैं उनकी बात मानती है, अपने सरपंचों की बात मानती ठीक है। उपेंद्र जी आपके फाइनल व्यूज। दीपक जी देखिए, मैं बहुत आशावादी हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपदा का दौर है उसको हम बहुत सफलता से और मिलजुल कर इसको हम इस आपदा से पार पा लेंगे। लेकिन इसके लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हमें सबका साथ सबका विश्वास बहुत अनिवार्य है। हम एक दूसरे पर आरोप न लगाएं, हम एक साथ मिलेंगे और साथ तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। जिस दिन गहलोत जी को मोदी जी पर विश्वास हो जाएगा और मोदी जी को गहलोत पर विश्वास हो जाएगा, निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि वो परिदृश्य बहुत सुनहरा होगा और हम सब मिलकर आपस में इस कोरोना के दूसरे दौर में जो कि कह रहे हैं कि और मजबूत है, तो हमारा आत्मसंकल्प और हमारा आत्म अनुशासन भी बहुत मजबूत है और हम निश्चित तौर पर इससे विजयी पालेंगे। लेकिन राजनीति को एक तरफ छोड़ना होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम विजय पाएंगे। यहां पर मैं हमारे दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि वो किसी सरकार के या किसी राजनेता के, किसी विधायक के, किसी सांसद के भरोसे न बैठे, क्योंकि अगर राजनेताओं के भरोसे या बीजेपी के भरोसे या कांग्रेस के भरोसे अगर कोरोना होता या वो जा सकता था तो महाराष्ट्र में कोरोना नहीं होता, अगर कांग्रेस के माध्यम से कोरोना जाता तो राजस्थान में कोरोना नहीं होता, अगर वो बीजेपी कोरोना को हटा सकती तो केंद्र सरकार में वहां पर कभी भी कोरोना नहीं होता। कोरोना को आपको अपने आत्मविश्वास के साथ जगाना है, अपने आत्मबल के साथ जगाना है, इसे भगाना है, और आपके अंदर जब तक आत्मविश्वास रहेगा तब तक कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आपसे निवेदन है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मास्क लगाएं, दो गज की दूरी बनाएं और पूरे जो नियम हैं उनका पालन करें, और हमारी जो सनातन संस्कृति है जो शुरू से वर्षों वर्षों से ये कहती आई है कि आप साफ सफाई का ख्याल रखें, घर में जाने से पहले जूते चप्पल बाहर खोल के जाएं, अपनी संस्कृति अपनी सनातन परंपराओं को हम निभाएं, तब जाकर हम इस कोरोना को पूरी तरह से मात दे सकते हैं। आप सभी ने हमारे आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार। City Live, a platform to sharing your thoughts.